हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आज आपकी मैम रेनू मैम, ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, देववाणी संस्कृत पाठमाला भाग चार, पाठ नवमह पाठ आदि कवि वाल्मीकि। कौन है वाल्मीकि? हमारे बहुत पुराने ऋषि थे, बाद में वो कवि हो गए थे। उनके बारे में जानते हैं, वो कैसे ऋषि बने, बाद में वो मुनि कैसे बन गए, वो क्या थे, कहाँ रहते थे, पहले वो क्या करते थे। चलिए जानते हैं ऋषि वाल्मीकि के बारे में। प्राचीन काले एकः मुनि अभवत्। प्राचीन समय में एक मुनि हुए। जीवन आरंभे सर मुनि दुव्रतः आसीत। जीवन के आरंभ काल में यानी कि बचपन में पहले वो क्या थे, वो एक बहुत बुरे व्यक्ति थे। पथिका नाम लुंठनम एवं तस्य जीविका साधनम आसीत। राहगीरों को यानी कि यात्रियों को लूटने से ही वो अपनी जीविका चलाते थे, यानी कि वो यात्रियों को लूटते थे। क्या थे इसका मतलब? वो डाकू थे वो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कहा है, वो यात्रियों को लूटते थे। एकदा कतिपय ऋषि है तस्य मार्गे आगच्छन्। अब पुरानी बात बता रहे हैं कि कैसे हुआ, एक बार कुछ ऋषि उनके मार्ग में रास्ते में आ गए। सह लूट गए ऋषि नवजत। उस लुटेरे ने ऋषियों से बोला, यदि प्राणान इच्छत तरही युष्माकं पार्श्वे यत् किमपि अस्ति तत् मह्यं समर्पय। यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो, अपने प्राणों की इच्छा जीवित रहना चाहते हो, तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मुझे दे दो। ऋषियं तं मुनि नवदन। ऋषि ने, उन ऋषियों ने उस मुनि को बोला, उस समय वो मुनि नहीं था लेकिन इस मुनि की बात चल रही है, उस मुनि को बोला, धन हरणात् पापं भवति। धन को हरण करने से पाप होता है। कथम त्वं पापं करोषि, तुम पाप कैसे तुम पाप करोगे। ऋषि ने बोला उसको कि धन का हरण करना पाप होता है, क्या तुम पाप करोगे। मुनि अवदत, एवं अहम कुंडकम एवं अहम कुटुंबकम पाल्यामि। वो जो मुनि, जिस समय इस मुनि की बात चल रही है जो पहले क्या था, लुंठक था, एक लुटेरा था, उसने कहा मैं इससे ही अपने परिवार का पालन करता हूं। तो ऋषि ने कहा, किं तं परिवारजना त्वया सह पापे सम्मिलिता भवन्ति। ऋषि ने क्या पूछा मुनि से कि क्या तुम्हारे परिवार वाले, तुम जो कमाकर उनको ले जाते हो, उस पाप के भागी होंगे। जो पाप तुम कमा रहे हो लोगों को लूटकर, क्या तुम्हारे परिवार वाले उस पाप के भागी होंगे। मुनि ने कहा, कथम न, क्यों नहीं, अवश्यम अवश्य ही, ते मम पापे सम्मिलिता भवन्ति, वो मेरे पाप में बिल्कुल शामिल है। ऋषि ने कहा, कथय किम अवदत्, बताओ कैसे होंगे। मुनि ने कहा, कस्याचित् पापस्य न कोऽपि अन्य भागी भवति। मुनि ने कहा, किसी के पाप का कोई भी भागी नहीं होता है। ऋषि ने कहा, सत्यम इदानीम हरिम भज, ये बिल्कुल सच है, इसलिए भगवान का नाम भजो। अब जो तुमने कहा है कि ये सच है कि किसी के पाप का कोई भागी नहीं होता, किसी की अच्छाई का भी कोई भागी नहीं होता, सबके अपने कर्म फल होते हैं, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। मुनि अगर पाप करेगा, उस पाप की कमाई से घर वालों को देकर आता है, तो उसने जो पाप किया है उसके पाप के भागी वो घर वाले नहीं होंगे, सब अपने अपने कर्मों के फल स्वयं ही भोगते हैं। तस्मात् दिवसात् सह मुनि लुंठनम् अत्यजत्। उसके बाद से वो मुनि, उसने क्या करा, लूटना छोड़ दिया। ऋषिणाम वचनम अपालयत्, और उसने ऋषियों के वचनों का पालन किया। उन्होंने कहा था ना, हरि भजो, भगवान का नाम भजो। कालांतरे सह बहु कालम तप आचरत, बहुत समय तक उन्होंने तपस्या की। अतः सह वाल्मीकि इति नामना प्रसिद्ध अभवत्, इसलिए वो वाल्मीकि इस नाम से प्रसिद्ध हो गए। बच्चों ये कथा में नहीं है, लेकिन आपको ये बात पता होगी, जब वो लुटेरा छोड़ दिया उन्होंने लूटना, और वो तपस्या करने लगे, उन्हें मुनियों की ऋषियों की बात समझ में आ गई, तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने तपस्या करने शुरू करी, और इतने तपस्या में लीन हो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि मेरा शरीर कहाँ है। और उनके शरीर पर क्या हुआ, चीटियों ने अपने घर बना लिए। तो बामी, चीटियों के घर को बामी कहते हैं ना, बामी बना ली, तो उस बामी की वजह से उनका नाम क्या पड़ गया था, वाल्मीकि पड़ गया था। अनंतरम सह महान कवि है भगत, बाद में वो क्या हो गए, बहुत बड़े कवि बन गए। सह संस्कृत भाषायां रामायणम अरचत, उन्होंने संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की।
तस्य रामायणम एकम सरसम सारपूर्णम महाकाव्यम अस्ति। उनकी रामायण एक सरस और सारपूर्ण महाकाव्य है। तत् वाल्मीकियम रामायणम अति प्रसिद्धम, इसलिए वाल्मीकि की रामायण बहुत प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार बच्चों अपने वाल्मीकि के बारे में जाना कि कैसे वो लुटेरे थे और कैसे वो बाद में उन पर ऋषि की बातों का प्रभाव हुआ और वो क्या बन गए, वो एक बाद में एक वाल्मीकि उनका नाम पड़ गया क्योंकि तपस्या करते करते उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके शरीर पर चींटियों ने घर बना लिया था, उस वामियों की वजह से उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। बाद में उन्होंने रामायण ग्रंथ की रचना की, उनका रामायण ग्रंथ बहुत ही सरस बहुत ही सारपूर्ण महाकाव्य था। आज भी रामायण सब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सामने कोई हमें पढ़कर सुना रहा हो, इतना सुंदर लिखा हुआ है वो रामायण। तो इस प्रकार बच्चों ने वाल्मीकि के बारे में जाना। बाद में महर्षि वाल्मीकि एक महान कवि हो गए थे, तो हमने जाना महर्षि वाल्मीकि के बारे में। अब पाठ में आए हुए बच्चों कुछ शब्द और उनके अर्थ हैं उनके बारे में जानते हैं। धन हरणात यानी कि धन का हरण करने से, तिष्ठामे माने बैठे हैं, अत्रै माने यही, दुव्रता माने बुरे आचरण वाला बुरे व्यवहार वाला, अथिका यात्री, पार्श्वे माने पास में, और परिवार जना माने कुटुंबी परिवार के लोग, अरचयक माने रचना की, लुंठका लुटेरा, और महियम माने मुझे, प्रत्यागच्छत माने वापस जाना, इच्छत माने चाहते हो, समर्पयत सौंप दो, तरही मीन्स तो। इस प्रकार हमने पाठ में आए हुए बच्चों कुछ शब्द और उनके अर्थ के बारे में जाना। अब हमारा ये अभ्यास कार्य है जो हम करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1 है हमारी, जिसमें कि कुछ प्रश्न और उत्तर हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आप हिंदी में भी दे सकते हो। मैं आपको संस्कृत में प्रश्न पढ़कर बता रही हूँ और हिंदी में समझा रही हूँ, आप ये उत्तर हिंदी में दे सकते हैं। संस्कृत भाषायाम रामायणम क रचयत, संस्कृत भाषा की रामायण किसने रचना की, वाल्मीकि ने, है ना, वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की। वाल्मीकि बाल्यकाल है ईदृश्य आसित, बाल्यकाल में वाल्मीकि क्या थे, वो एक लुंठक थे एक लुटेरे थे, है ना, जो लूट कर अपने परिवार जनों का पालन पोषण करते थे। के वाल्मीकि प्रबोधन, किन्होंने वाल्मीकि को ज्ञान दिया समझाया, ऋषि नाम, ऋषियों ने वाल्मीकि से पूछा कि जो तुम पाप करते हो क्या तुम्हारे परिवार वाले उस पाप के भागी होंगे, तो जब उनको ये बात समझ में आई कि किसी के पाप का कोई भी भागी नहीं होता है, तब उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ और उन्होंने लूटना छोड़ दिया। वाल्मीकि अनंतरम किम अकरोत, वाल्मीकि ने बाद में क्या किया, कवि अभवत, वाल्मीकि बाद में कवि बन गए और उन्होंने संस्कृत भाषा में रामायण की भी रचना की, ये भी आप लिख सकते हो। संस्कृत का महाकाव्य रामायण बहुत ही सुंदर सरस और सारपूर्ण महाकाव्य है जिसको उन्होंने संस्कृत में जिसकी रचना की। एक्सरसाइज नंबर 2, रिक्त स्थानानि पूर्यत, पहला है अनेन अहम एव कुटुंबम पालयामि, दूसरा है सह मुनि लुंठनम अत्यजत, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है कस्यचित् पापस्य न कोऽपि भागी भवति, वाल्मीकि इति नाम्नः प्रसिद्ध अभवत, वाल्मीकि रामायणम एकम सरसम सारपूर्ण महाकाव्यम अस्ति। तो इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में आए हुए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति करी। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है उचित उत्तर देखकर, तीन तीन विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से एक उत्तर पर हमें जो सही है उस पर सही का निशान लगाना है। जैसे जीवन आरंभे मुनि आसीत सज्जन शालक स्वभावन या दुर्व्रत, क्या थे, दुर्व्रत थे, दुर्व्रत थे। दूसरा है लुंठनम मुनि प्रसिद्ध अभवत, वाल्मीकि तुलसीदास है या सूरदास, लुंठनम मुनि प्रसिद्ध अभवत वाल्मीकि। ऋषि नाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, ऋषि नाम इस पद में विभक्ति है षष्ठी तृतीया या पंचमी, यह है पंचमी विभक्ति। एक्सरसाइज नंबर 4 है बच्चों हिंदी में अनुवाद करो,
एकदा कतिपय ऋषय तस्य मार्गे आगच्छन्। एक बार कुछ ऋषि उसके रास्ते में आ गए। एक बार कुछ ऋषि उसके रास्ते में आ गए। सह लुंठक ऋषि ने वदत, उस लुटेरे ने ऋषियों से कहा या ऋषियों से बोला, यदि प्राणान इच्छत तर्हि युष्माकं पार्श्वे यत् किमपि अस्ति तत् मह्यं समर्पयतु। यदि जीना चाहते हो, यदि जीना चाहते हो तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह मुझे दे दो। नेक्स्ट है, ऋषि तम मुनि अवदन। ऋषि ने उस मुनि को बोला, ऋषि ने उस मुनि को बोला, धन हरणात् पापं भवति, धन का हरण करने से पाप होता है। धन का हरण करने से पाप होता है। इस प्रकार हमने पाठ में आए हुए कुछ हिंदी वाक्य थे उनका, संस्कृत वाक्य थे उनका हिंदी में अनुवाद किया। अब नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, ये संस्कृत के वाक्य हैं, ये वाक्य हिंदी के हैं जिनका हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। धन छीनने से पाप होता है, धन हरणात् पापम भवति। क्या तुम्हारे पाप में तुम्हारे कुटुंबी शामिल है? किम तव पाप कर्मे, तव कुटुंब जना, कुटुंबी जना सम्मिलिता संति। किसी के पाप में दूसरा शामिल नहीं होता। कस्यश्चित् पापे अन्य न सम्मिलितः भवति। कस्मिचित् पापे अन्य न सम्मिलितः भवति। मुनि ऋषियों के चरणों में गिरता है। मुनि ऋषिणाम चरणों वंदिता। हरि का भजन करने से पाप कट जाता है। हरिम भजे पापम नश्यति। हरि का भजन करने से पाप नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट फिर हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 6। यहाँ है शुद्ध अर्थ का मिलान करो। शुद्ध अर्थ का मिलान करो। जैसे कर, जलद और जलधि इधर लिखे हुए हैं, इनका अर्थ क्या है? कर। यहां हम इसको हाथ, सागर और बादल, जलज और अनुभवती, यानी कि पंकज और अनुभव करता है। अनुगच्छति माने पीछे चलता है, और उद्भवती उपगच्छति माने निकलती है या पहुंचता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर सही अर्थ का, शुद्ध अर्थ का, शुद्ध शब्दों के सामने उनका मिलान किया है। एक्सरसाइज नंबर 7। नीचे लिखे हुए शब्दों के वचन और विभक्ति लिखने हैं। वाल्मीकि इस शब्द में है द्वितीय विभक्ति और एक वचन। कविना इसमें एक वचन और तृतीय विभक्ति है। और
प्राणान, प्राणान में बहुवचन और द्वितीय विभक्ति है। ऋषीन, ऋषीन बहुवचन है और द्वितीय विभक्ति है। और पार्श में एक वचन है और सप्तमी विभक्ति है। तो इस प्रकार हमने नीचे लिखे हुए शब्दों के वचन और विभक्ति जाने। एक्सरसाइज नंबर 8 है बच्चों, क्रिया पदों की धातु और लकार लिखने हैं। अभवत, अभवत धातु है हमारी भू धातु और लंग लकार है। आसी ये हमारी अस धातु है, आसी और ये है लंग लकार। अवदत वद धातु है, अवदत और ये है लट लकार। और करोशी क्री धातु है हमारी, क्री धातु और ये है लट लकार। और भवती भू धातु है, ये भी लट लकार है। तो इस प्रकार हमने बच्चों ये जाना क्रियापदों की धातु और उनके लकारों के बारे में जाना। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 9, अधोलिखित शब्दानाम वाक्य निर्माण करो। नीचे लिखे शब्दों का वाक्य निर्माण करना है। जैसे ऋषय, ऋषय मुनीना अवदन, जीविका सह लुंठेन जीविका पालयति, कविषु वाल्मीकि, सर्वेषु कविषु श्रेष्ठ अस्ति, प्रसिद्ध अनंतरे सह प्रसिद्ध कवि अभवत। तो इस प्रकार हमने पाठ में आए हुए कुछ शब्द हैं उनका वाक्य में प्रयोग किया। नेक्स्ट है बच्चों हमारी लास्ट एक्टिविटी एक्सरसाइज, जिसमें कि हम वाल्मीकि के विषय में जानकर और कहीं से भी जानकर कि वाल्मीकि कौन थे, क्या था, अपनी टीचर को उसको लिखकर दिखाइए वाल्मीकि के बारे में। कुछ मैंने बताया आपको, कुछ आप और बुक से देखिए वाल्मीकि के बारे में क्या क्या बताया गया है, क्या थे वो बचपन में, कैसे उनका हृदय परिवर्तन हुआ, कैसे वो मुनि बन गए, इस प्रकार जानकर उसको एक कॉपी में लिखकर अपने अपने टीचर को दिखाइए। ये आपका होमवर्क एक्टिविटी है, इसको आप अपने टीचर को दिखाएंगे बच्चों। तो इस प्रकार हमने वाल्मीकि के बारे में जाना। बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। आभार।